सत श्री अकाल जी, किदा सारे पैंदी आ फिर तक। सो अज है डे वन ऑफ 75 हार्ड। सब तो पहला मॉर्निंग च आपां कीते 10 सैट सूर्य नमस्कार दे, एंड उस तो बाद आपां गए रनिंग करन वास्ते। बीर बिलिंग दी फेवरेट जगह ते पहुंच के मैं कीते पुशअप्स एंड स्क्वाट्स। ये अपना ब्रदर अरुण, और ये मैं सपोर्ट करूँगा, नाल मेरे जाया करूँगा डेली हाइक वास्ते। पूरा जंगल रूट है और रूट का एक पार्टनर होना जरूरी है। फर्स्ट रोड पॉइंट आ गया। साडा कैमरामैन हिमांशु जी आराम से रेस्ट कर रहे हैं, उसको एक हफ्ते पहले लेके आए थे ट्रैक पे। भाई साहब जी की अभी तक टांगे ही नहीं, सूजन खत्म हुई है। 8:37-8:38 पे स्टार्ट किया था और 9:27-9:28 पे आप थर्ड पॉइंट पहुंच गए। हाँ, और सामने मंदिर का गेट है, उत्ते मंदिर है, मत्था टेकेंगे। और तुम सोच रहे होंगे झाड़ू की कर रहे हैं, ये भी दिखावांगे की करना है। आजो देख लो, 18 मार्च 9:37 मंदिर आ गया। इस मंदिर की विशेषता मैं बताता हूँ। ये मंदिर जो है ना, पहले इतना बड़ा मंदिर नहीं होता था, पहले छोटा सा मंदिर होता था, और जो पहले जो था लकड़ी और पत्थर से ही था सारा। और जब इस मंदिर को नए बनाने की बात हुई तो माता जो प्रकट हुए थे तो उन्होंने बताया इसमें ये मंदिर तभी बनेगा जब इसमें ना एक भी कील ना ही सीमेंट का यूज़ होगा, तभी मैं यहीं पे भी विराजमान होंगी। मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ इस साइड देख लो, ना एक भी कील नहीं दिखेगी आपको। और बढ़िया से बताता हूँ, आ जाओ ये देखो, ये जो स्लेट पत्थर लगे हुए हैं ना, इसमें भी आप देखोगे लकड़ी की कील लगी हुई है जी। और यहाँ पे जो गांव वाले हैं, जो भी एरिया के लोग हैं, सब इस मंदिर को पूजते हैं। जो भी अपना पैराग्लाइडिंग कम्युनिटी होगी, सारी गांव वाले हो गए, सभी यहाँ पे आके पूजा करते हैं जी। बिल्कुल पूरी रक्षा करती है माता रानी जी। भरा भ्रू आते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ा जहा गंद गुंद इतने सीट जाते हैं, अजय इतने रख दें, कल इन थले लैके जावे। चलो भाई फाइनली पहुंचने वाले हैं, धन धन हो पी है, धन धन। ओहो, अब ट्राई कर रहे हैं 2 घंटे तो घट च हो जाए पहुंचन दी। अरुण कह रहा हो जूगा, अरुण पूरा मोटिवेट खिंच के रखता मैनू। अरे अरुण, 1 घंटा 45 मिनट पहुंच जाएंगे आप, हो रहा पॉइंट। चलो खिंच के रखो। हाँ जी, थोड़ा जहा रह गया, चल रहे 10:43, 2 मिनट रह गए। One hour 45 minutes आप थलो उत्ते आ गए। देखिए जाओ स्टार वॉच की टाइम आ रहा है, स्टार वॉच आ रहा है टाइम 1:52। ये साढ़े को कई सारी चीज़ा आदि रहा गंद आप इतने पा दें। थोड़ी जी मेरी जैकेट तो गंदी हो गई, कोई ना। और अज मैं वेट ज़्यादा कैरी नहीं किया, कल तो हूँ हौली 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 करके वेट कैरी करांगे। कल तो 2 किलो, फिर 4 किलो, फिर 10 किलो, हौली हौली स्टैमिना बिल्डअप करांगे। एंड डे 75 तिकर इन्ने हो जाएंगे कि 20 किलो अराउंड कैरी करके आ सकिए इस टाइम च। ठीक है, पहना गले में
अरे गर्दन बचा के रखनी है, टैनिंग नहीं करवानी। नो टैनिंग। और जो मेरे को टैनिंग होगी उसका क्या? चल भाई सेट। ऑल सेट। इफ अ डस्ट डेविल कम द वे इट केम अभी इट वाज अ वेरी स्ट्रांग वन। इट कैन इन्फ्लेट इट, मेक यू गेन अल्टीट्यूड एंड विद अ रोटेशनल फ्लो एंड थ्रो यू डाउन। ठीक है, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो। I told you yesterday also, A-risers को छोड़ के, और छोड़ना नहीं भी है तो भी anything that is below A, just grab and immediately kill it. अभी जैसे सर विंड स्ट्रॉन्ग है तो अभी ब्रेक के जगह ब्रेक के साथ ही कर, अभी भी ब्रेक। और ग्लव्स क्यों नहीं पहन के आया? सो ट्रेनिंग पे भी ध्यान दे एंड मेक श्योर इट्स नॉट लीविंग ग्राउंड मोर देन अबाउट 45 डिग्री। So in place of bringing it too aggressively, try and figure out, okay, make a wall, slight bit of pressure, it comes up thoda sa, and you try to maintain it there and then keep it down. If you give it too much aggression, it will just rise up. Wo nahi karna hai. We need to figure out how much optimum brake is required, how much optimum energy is required, and then just bring it gently up. There are two things that are important. जो तू अभी करने की कोशिश कर रहा है, it needs good wind and it also needs the glider to be into the wind. अभी क्रॉस विंड खड़ा हुआ तो नहीं होगा। चलो जगी भी रेडी, 1 2 3। भाई विंड के हिसाब से करेंगे, अभी इसमें कोई वन नहीं है। बढ़िया बढ़िया। तो जब वो साइडवेज जाने लगता है तो एक ही जगह खड़े खड़े उसको संभालने की कोशिश करता है। सो यू नीड टू इमीडिएटली मूव अंडर द ग्लाइडर, इमीडिएटली मूव अंडर द ग्लाइडर। सो एनी टाइम इट्स रोलिंग, इट्स नॉट जस्ट हैंड्स, इट्स बॉडी दैट यू गिव इट एनर्जी, एंड वंस इट हैज दैट देन यू ट्रांसफर और शिफ्ट दैट एनर्जी और हेल्प इट ऑन द अदर साइड एंड एट द सेम टाइम यू मूव, कीप मूविंग अंडर, रख दे and again to guide them, very nice. Upar nahi rakhna, bar hata do। चलो फिर ओवर एंड आउट।